कांग्रेस कार्यालय में बैठक का आयोजन किया गया। इस बैठक में मंत्री रामलाल जाट, वैभव गहलोत सहित कांग्रेस के आला पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद रहे। बैठक में विधानसभा चुनाव में सरदारपुरा, जोधपुर शहर और सूरसागर दावेदारों को लेकर चर्चा की गई। बैठक के बाद मीडिया से बात करते हुए रामलाल जाट ने कहा कि सभी ने एक लाइन में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के नाम का प्रस्ताव पारित किया और कहा कि जिसे भी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत उम्मीदवार बनाएंगे वो सभी उनके साथ हैं। रामलाल जाट ने कहा कि पार्टी में सभी दावेदारों को पहले दिल्ली के चक्कर निकालने पड़ते थे, लेकिन इस बार पार्टी के फील्ड में ऑब्जर्वर फीडबैक ले रहे हैं और इसी के आधार पर टिकटों का वितरण किया जाएगा। 53 ऐसी सीटें हैं जिसमें हमारी कमेटी में, जिसमें सूरसागर भी है, लंबे टाइम से हम आ रहे हैं, उस पर अलग रणनीति बना रहे हैं और हमारी अशोक गहलोत जी के नेतृत्व में सरकार ने जो शानदार काम किए हैं, सूरसागर का ऐसा कोई घर नहीं बचा जिसमें इस बार के कार्यकाल में कांग्रेस पार्टी की योजनाओं का फायदा उनको नहीं मिला हो। हम उनको जागृत करेंगे, उन लोगों में हमारी पेट बनाएंगे ताकि वो लोग हमारे पक्ष में आए। तालमेल होता है, एक आदमी से सारा काम नहीं हो पाता, एक आदमी से सत्ता नहीं चल सकती, एक आदमी से घर परिवार नहीं चल सकता, उसको भी एक आदमी से पार्टनरशिप हो या अपना खुद का स्वयं का व्यापार वो भी नहीं चल पाता, उसमें किसी न किसी मैनेजर, किसी न किसी ऑपरेटर, किसी न किसी संचालनकर्ता की जरूरत होती है। तो ऐसे ही राजनीतिक पार्टियों को सबको साथ लेकर चलने का काम हो तभी हो पाता है। तो उस चीज़ में हमारी गिरावट कुछ टाइम से आई है। राजस्थान में मैंने ये भी कहा कि राजस्थान में तो फिर भी अशोक गहलोत जी ने गांधीवादी तरीके से संगठन को मजबूत रखा। राहुल गांधी जी उन चीज़ों को समझ कर पद यात्रा निकाली और उन लोगों को, संगठन को जोड़ने का काम करा। आप देखो, आज़ादी बोर्ड डेमोक्रेसी से पहले कांग्रेस पार्टी ने क्या दिया, जो लोग जेल जाने के लिए तैयार हो गए, गोली खाने के लिए तैयार हो गए, हर जाति हर धर्म के। आज के समय में धर्म जातियों की सेक्टर की झगड़े हो रहे हैं, और अगर ऐसे लोग उस समय होते तो हमारा देश कहाँ आज़ाद होता, कहाँ डेमोक्रेसी आती है।